जंग के बीच रूस की तालिबान से नजदीकी और बढ़ गई। पिछले साल अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया था, जिसके बाद से अब तक किसी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके पुतिन का गेम प्लान बदल चुका है और वो तालिबान से नजदीकी बढ़ाने के मूड में है। मतलब ये कि पुतिन अमेरिका के दुश्मन तालिबान को अपना पक्का दोस्त बनाने की चाल चल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने मॉस्को में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से नियुक्त पहले राजनयिक को मान्यता दे दी। तालिबान के अधिकारी फरवरी महीने से ही मॉस्को में काम कर रहे हैं। एक और ट्विस्ट ये कि रूस के विदेश मंत्री ने यह जानकारी चीन में दी, और चीन तो पहले से तालिबान के करीब है। उसने अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद निवेश करने का ऐलान भी किया था। वैसे रूस का रुख भी तालिबान पर नर्म ही रहा है और वो कहता रहा है कि तालिबान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद जब सारे देशों का दूतावास काबुल में बंद हो गया था, तो जिन तीन देशों का दूतावास वहां खुला रहा था वो थे चीन, पाकिस्तान और रूस। कहा तो ये भी जाता है कि तालिबान के लड़ाके खुद रूस के दूतावास की सुरक्षा कर रहे थे, और इसीलिए पुतिन बेफिक्र रहे और तालिबान राज में रूस का दूतावास काम करता रहा। वैसे पिछले साल अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तब से रूस ने ये संकेत दिए कि वो तालिबान को एक मौका देने के पक्ष में। पुतिन ने तो एक इंटरव्यू में बोल भी दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सुधर जाएंगे। अमेरिका की सेना ने जब अफगानिस्तान छोड़ा था तो वहां दर्दनाक हालात हो गए थे। बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद ये सबसे बड़ा फैसला लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान के लोगों की दुर्गति हो गई थी और पूरी दुनिया में अमेरिका की थूथू हुई थी। कहा जा रहा है कि पुतिन तब से ही ये प्लान कर रहे थे कि मध्य एशिया में अमेरिका का दखल खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस बार अमेरिका और नेटो से खार खाए बैठे पुतिन ने घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी बात की। चीन में रूस के विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अफगानिस्तान की सीमा के पास अमेरिका या नेटो की सेना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी पुतिन ने खुलेआम ये जता दिया कि न वो यूक्रेन में और न ही अफगानिस्तान में अमेरिका को दादागिरी करने देंगे, और इसीलिए वो तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। वैसे अब तक रूस ने अफगानिस्तान में कुछ खास निवेश नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि अब वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन को अपने देश की सीमाओं की भी तो चिंता है, जहां बाइडेन खुद या नेटो देशों के जरिए खेल खेल सकते हैं। वैसे इस बात से पुतिन पहले भी परेशान थे, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच सुलह करवाने की भी कोशिश की थी। 2019 में मॉस्को में अफगान नेताओं और तालिबान के बीच हुई मुलाकात की ये तस्वीरें उसी कोशिश का सबूत है। हालांकि वो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी और 2021 में तालिबान बंदूक के बल पर अफगानिस्तान के शासक बन गए थे। लेकिन यूक्रेन में जंग के बाद जब दुनिया की दो महाशक्तियां यानी कि रूस और अमेरिका अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो रूस ने इस गेम में एक बड़ा दांव चला और तालिबान को अपनी तरफ करने की कोशिश की। क्योंकि जिस तरह से बाइडेन रूस की घेरेबंदी कर रहे हैं, उससे पुतिन की टेंशन बढ़ सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान रूस के लिए एक अहम देश है, क्योंकि ये देश जियोपॉलिटिकल गेम के बीच में खड़ा है। अफगानिस्तान जिस जगह पर है वो उसे दिलचस्प और खतरनाक दोनों एक साथ बना देती है, क्योंकि इसकी सीमाएं रूस के सहयोगी देश ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती हैं। ये वो देश हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ये देश मध्य एशिया का हिस्सा है, रूस यानी कि एशिया के बीच का हिस्सा, जो पूर्व में चीन, पश्चिम में कैस्पियन सागर, उत्तर में रूस और दक्षिण में अफगानिस्तान तक फैला। और इसीलिए पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका और नेटो की सेनाएं अफगानिस्तान के आसपास भी भटकें।